नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर के सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। खबरों में बढ़ने से पहले, अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहले बड़ी खबर बताते चलें, राहुल गांधी को लेकर के बेहद ही बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। केरल के वायनाड में नामांकन दाखिल करने से पहले राहुल गांधी का विशाल रोड शो, प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेता रोड शो में मौजूद। केरल के वायनाड में नामांकन दाखिल करने से पहले राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं, उनके साथ में प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें, राहुल गांधी आज वायनाड से नामांकन दाखिल कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए, और कांग्रेस पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए आ रहे हैं जननायक। ये यहां पर राहुल गांधी को लेकर के खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा कि वायनाड से राहुल गांधी कितने वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से बेहद ही ताजा जानकारी सामने निकल के आ रही है। ईवीएम मामले पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते कर सकता है सुनवाई। एडीआर की याचिका पर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जल्द सुनवाई की मांग की है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मामले पर जल्द ही सुनवाई की जाए। बताते चले, मशीनों का डेटा यहां पर वीवीपैट के रिकॉर्ड के साथ में क्रॉस चेकिंग से संबंधित मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पहले चरण के मतदान से पहले यहां पर कोई बड़ा आदेश चाहता है एडीआर, और मांग की गई है कि वीवीपैट की 100% पर्चियों की गिनती की जाए ताकि कोई भी किसी भी तरह का सवाल खड़ा ही ना कर सके। दोस्तों अगर आप लोग भी इस मांग से सहमत हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। इसके साथ ही बिहार बीजेपी से हड़कंप मचाने वाली खबर सामने निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, बताते चलें, बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने कहा, पिछले 6 महीने से कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं, अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है, लोकसभा के चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये यहां पर बयान आया है सुशील मोदी का। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब बताई जा रही है। अरविंद केजरीवाल का तेजी से घट रहा है वजन, गिरफ्तारी के बाद से अब तक 4.5 किलो वजन केजरीवाल का कम हुआ है। केजरीवाल की तेजी से घटते वजन पर डॉक्टर ने यहां पर चिंता जताई है। आम आदमी पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर है और कहा है कि पता नहीं ये भाजपाई और किस हद तक गिरेंगे। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही रामदेव ने मोदी सरकार को बैक फुट पर लाकर के खड़ा करवा दिया है, क्योंकि आप लोगों को बताते चले मामला ही ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को तो फटकार लगाई ही है, लेकिन यहां पर मोदी सरकार को भी जमकर के लताड़ा है। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर मोदी सरकार ने आंखें क्यों बंद कर रखी थी, ये यहां पर कहना है सुप्रीम कोर्ट का। रामदेव लगातार भ्रामक विज्ञापन यहां पर चलवा रहे थे जिसमें मोदी के मंत्री भी शामिल रहते थे, उसी पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और जमकर के फटकार लगाई है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बताते चलें, बीजेपी के प्रत्याशी ने दिया ऐसा बयान कि मचा हड़कंप। राजस्थान के नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा संविधान बदलने वाले बयान पर घिरी है, बोली संवैधानिक बदलाव के लिए दोनों ही सदनों में प्रचंड बहुमत जरूरी है। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी संविधान से नफरत करती है, अगर ये जीती तो ये पक्का संविधान बदलने की तैयारी करेंगे। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी ने भी आशंका जताई है।
इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नया अभियान शुरू किया है, हमारे 5 न्याय 25 गारंटी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा घर घर गारंटी अभियान शुरू करने की घोषणा पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि यहां से हमारी घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत हो रही है। आज राहुल गांधी भी वायनाड में इस अभियान में शामिल होंगे। हम 8 करोड़ परिवारों तक गारंटी कार्ड पहुंचाएंगे, हमारे 5 न्याय 25 गारंटी, जिसकी घोषणा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भी की थी, उस कार्ड का यहां पर वितरण आज से किया जाएगा। ये यहां पर बयान सामने निकल के आया है दोस्तों जयराम रमेश का, यानी कि देख सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जिन गारंटियों का ऐलान किया था वही गारंटी कार्ड अब यहां पर घर घर पहुंचाया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। संजय सिंह की जमानत के लिए कोर्ट ने तय की है शर्तें, एनसीआर छोड़ने पर ईडी अधिकारी से शेयर करना होगा लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली के आबकारी नीति केस में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दी है। इसके बाद में बताते चलें कि निचली अदालत ने उनकी जमानत की शर्तें तय की हैं। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। संजय सिंह के वकील ने कहा है कि संजय सिंह की पत्नी ने यहां पर जमानती के तौर पर मौजूद रही है और बेल बॉन्ड भी दाखिल कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि संजय सिंह को पासपोर्ट जमा करना होगा, इसके साथ ही जांच में सहयोग भी करना होगा। इसके साथ ही संजय सिंह को राहत देते हुए कोर्ट ने उनके राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक नहीं लगाई है। संजय सिंह के वकील ने कहा है कि एक सांसद हूं, मेरे भागने का खतरा नहीं है बिल्कुल भी। और वहीं इसके साथ ही संजय सिंह के बाद अब क्या यहां पर जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट में कहा जमानत के लिए मानूंगा कोई भी शर्त। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को राहत मिली है और उनको जमानत मिल चुकी है 6 महीने के बाद में। इस मामले में आम आदमी पार्टी के एक और नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी लगभग 1 साल से जेल में बंद हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह से संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं वैसे ही सिसोदिया को भी जमानत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से। यानी कि बीजेपी ने जो झूठा मुकदमा किया है उसमें अब ईडी बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि किसी नेता को 6 महीने से, किसी को 2 साल से, किसी को 1 साल से जेल में बंद किया हुआ है, कोई सबूत नहीं मिल रहा है, कोई भी मनी ट्रेल नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में नजर आ रहा है। यहां पर दोस्तों इस समय की आज के तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर रहे तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।